बारिश, इतना तेज तूफान आया। ओह माय गॉड, हवा से देख पानी कैसे जा रहा है, ऐसे पीछे जा रहा है। बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज, धुएं जैसा आ रहा है, धुएं जैसा ना बाबू। बाबू पहले पानी इधर आ रहा था, अब इधर आ रहा है, देख। बाप रे, उल्टा सीधा बारिश हो रहा है। लल्ला, इधर भी बारिश हो रही है, उधर भी बारिश हो रही है, ऐसा हवा जा रहा है, ऐसा भी हवा जा रहा है। वो देख कौन घूम रहा है, देख बारिश में। देख चिड़िया उड़ नहीं पा रही, देख रहे बारिश में। कबूतर भी नहीं उड़ पा रहे थी बारिश में, ये लोग बह ना जाए। राधे राधे, कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे, कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो शाम के बज रहे हैं 6:15 और मैं जा रही हूँ काढ़ा बनाने। तो काढ़ा में क्या क्या स्पेशल हम लोग डालते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बने रही है ब्लॉग के एंड तक, आपको सब पता चलेगा क्या मैंने क्या क्या किया है। कहाँ चॉकलेट है? चॉकलेट नहीं है, बारिश आया है तो मिट्टी है। नब्बो इसमें कैसे नापू, ऐसे रख दू इसी पे, इसी के ऊपर पे कटोरी में। फायदा क्या, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। और ठीक है, ये देखो, और इसको रखा, ये आया 100 दिख रहा है, ये बीच में था टेयर 0। अभी डालो इसके अंदर, कितना चाहिए डालो। और तो ये सोयाबीन है, इसको मोच करके, जैसे तौल के मेजर करके फिर उसको बॉईल करना है। और दूसरा चना, सोंडा, और क्या जो भी अंकुरित हुआ हुआ चीज़ है, मूंग, मटकी, चना, और जो भी अंकुरित होने के बाद उसको बॉईल करके डब्बे में वो लेके जाते हैं और वो खाते हैं, क्योंकि उनको जिम जाते हैं वो, तो उनको न्यूट्रिशन और प्रोटीन जो भी मिलती है, जो चीज में प्रोटीन ये सब रहता है, सारी चीज़ें वो फॉलो करते हैं। देखिए मैं अंदाजे रोज करती थी, पर आज हमें बोले कि नहीं अंदाजे नहीं, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हो गया था, तो एक मेजरमेंट करो और उससे फिर तो हुआ ही नहीं अंकुरित। तो यहाँ मैं खोल रही हूँ, अंकुरित हुआ नहीं है, कपड़े में बांधने में थोड़ा सा ऐसा नहीं रहता, कपड़े में बांधने के तो जल्दी कैसे आएगा, उसको सांस लेने को मिलेगा ही नहीं, कपड़े में बांध दिया सांस लेने को नहीं मिलेगा तभी जल्दी नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे भी खाते हैं लेकिन अंकुरित हुआ हुआ थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। और लेकिन मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं ये ऐसे बॉईल करके नहीं खाती हूं, इसमें सलाद टाइप बना के, इसमें मम्मी रोज बनाता है, मम्मी कांदा, लहसुन, मिर्च, नमक ये सब डाल के फिर मैं खाती हूं सुबह सुबह। बहुत ज्यादा हो गया, मैं मम्मी बच्चे अच्छा मुझे ऐसे टेस्टी लगता है, पर उनको टेस्ट से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ प्रोटीन और विटामिन। 77 हो गए चाहिए तो कर दो, आगे पीछे कम ज्यादा जो भी है। 75 मतलब 5 डन, ठीक है। पर 2.5 घंटा लगा है खत्म करने को, मेरे को चबाते चबाते मुंह दब गया मेरा, स्किप कर दिए रहते, मैं सब्जी बना देती हूँ, खराब हो जाता है वो पैक करके बहुत देर तक रखा रहेगा तो पैसे लगा देते। चलिए अभी इसको पानी डालते हैं। इधर ये अश्वगंधा गिलो और पता नहीं क्या क्या जो भी है वो अपना पी रहे हैं। अश्वगंधा गिलो रोज पीते, रोज याद से जिम जाने से पहले
या फिर ऑफिस जाने से पहले उनका स्किप नहीं होता है, और मुझे भी बोलते हैं पिया करो रोज, मतलब हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा वो, मतलब मुझे टेंशन नहीं रहता है उनकी हेल्थ को, वो बहुत अच्छा ख्याल रख लेते हैं अपना, और मुझे भी बोलते हैं कि तुम भी अपना ख्याल रखो, तो ये एक चीज़ अच्छी है। तो यहाँ वो चले गए जिम, तो मैं यहाँ से ये उतार दी हूँ और चाय रखी हूँ, और चाय में मैंने क्या क्या डाली हूँ ये मुझे लगा वीडियो ऑन है पर ऑन नहीं था, तो कुछ भी दिखा नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पूरा यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन चालू है तो इसलिए आवाज़ आ रहा है, और मैंने चाय में क्या डाला, मुझे लगा कैमरा ऑन है पर ऑन नहीं था, तो फिर मैंने सब डाल दिया, दिखा नहीं कुछ भी। तो उसमें सोट डाला है, काली मिर्च डाली, इलायची डाली है, और फिर अजवाइन डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, गुड़ डाला है जैसे, और तेज पत्ता डाला है, और जैसे भी मसाला होता है काढ़ा जैसे बनता है वैसे, और हरी पत्ती चाय की, चाय हम लोग यूज़ नहीं करते, तो हरी जो ग्रीन टी होता है, जो ग्रीन वाला होता है ना चाय, वो वो वाला मम्मी लेके आती है, तो वो डाली हूँ। अभी बारिश ज़्यादा है इसलिए बन रहे भी नहीं, तो ये भी नहीं बन रहा था। यहाँ मैं एक तरफ दूध बॉईल कर रही हूँ, बेबी को भूख भी लगी है, शाम हो गई है, वो आजकल कुछ भी नहीं खा रही है, बिल्कुल खा नहीं रही है, उसको ज़बरदस्ती से दूध पिला रही हूँ मैं, और दूध भी वो मुश्किल से 3 पाव ही पी पा रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कहीं उसके पेट में कीड़े तो नहीं पड़ गए क्या हो गया, और ये जो मैंने अभी मसाले का जो रखा वो उसमें जंग लग गया, पता नहीं कैसे लग गया, क्या करना पड़ेगा पता नहीं, अब एक दिन उसको भी तेल वेल डालती हूँ, देखती हूँ बराबर निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि खींचने में आसानी नहीं हो रही है उससे। बाकी जिसमें पानी वाला, जिसमें बर्तन वगैरह रखते हैं वो सब बराबर चल रहा है, बस वो मसाले वाला बराबर नहीं चल रहा है। तो हाँ, इधर दूध बॉईल कर रही हूँ, उधर चाय बन रही है, उसके बाद मैं अब सब्जी काट लूँगी। सब्जी में बनाना है कोहड़े की सब्जी रोटी, तो उनका शिफ्ट वाला जॉब है, तो शिफ्ट उनका चेंज हुआ है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे, क्योंकि ना दोपहर को मुझे बिल्कुल सोने को नहीं मिलता, क्योंकि उनका अभी नाइट चल रहा है, तो मुझे सोने को नहीं मिलता है, तो ये मैं अभी सब्जी काट लूँगी, उसके बाद फिर देखिए चाय काढ़ा बन गया हमारा। तो वाइट वाला कप मेरा है, ब्लैक वाला मम्मी का है, कप फिक्स है सबका, सब अपना अपना यूज़ करते हैं, तो मैं फटाफट से पी रही ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ बनाने में, क्योंकि वो ऑफिस जाना है, तो 8 बजे जाना है, मतलब जाना ही है, 1 सेकंड भी रुकते नहीं है, और उस दिन तो छाता भी ले जाना भूल गए थे, और यानी कि फटाफट से मैंने ये हटा लिया है, क्योंकि कचरा रहता है ना, तो ऐसा भरा भरा प्लेटफॉर्म लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मुझसे भर ही जाता है कितना भी ये करूँ। तो यहाँ मैंने डाला है उनके लिए सब्जी बना रही बस, तो यहाँ लहसुन और 5 फोरन डाला है, मिर्ची डाला है, उसमें कोहड़े की सब्जी, कोई कोई कद्दू भी बोलते हैं इसको, तो मैंने वो डाला है, उसमें आलू डाली हूँ, और फिर उसमें थोड़ा सा हल्का सा मसाला डाल के, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के थोड़ा सूखे टाइप बना देती हूँ, और रोटी बनाने में जा रही हूँ। आटा सानने ये आ गई मैडम, कुछ तो बोलने मम्मा, कुछ तो बोलने आ गई है। और ये देखिए, ये दूसरे दिन का सुबह का है, जो संडे के दिन का है, और ये मैंने भजिया बनाया है, भजिए में बहुत कुछ बहुत स्पेशल बनाया, मतलब फर्स्ट टाइम घर में टमाटर नहीं था, धनिया भी नहीं, मिर्ची, वो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि नीचे जाने का भी मन नहीं हुआ, तो मैंने दिमाग लगाया मैं क्या करूँ, तो फ्रिज में पनीर रखा था, पनीर भी थोड़ा ही था, फिर मैंने आलू उसमें घिसा, पनीर घिसा, फिर आलू भी 3-4 घिस दिया उसमें घिसने से, उसके बाद फिर थोड़ा सा अलग से कांदा रखा था, तो कांदा भी थोड़ा सबको फूरना चाहिए, इतना दिमाग लगा कि फिर उसमें बेसन डाला, फिर जो भी मसाला था, हल्दी पाउडर था, नमक मिर्च, वो सब डाला। ये देखिए, ये मैडम मेकअप करके आई हैं, मम्मी का वार्डरोब खोल के उसमें से सब निकाल के मेकअप कर रही हैं, उसके बाद फिर मैं कहाँ थी, हाँ चटनी बनाने के लिए टमाटर और ये सब नहीं था, तो उसमें जो ये होता है ना, सेंगदाना डाली थी, सेंगदाना और लाल मिर्च सूखी वाली और लहसुन,
और उसमें मेरे पास कोहड़ौरी रखी थी, तो मैंने दो ऐसे ही डाल दिया था चेक करने के लिए कैसा बनता है, पर बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये देखिए मैं मम्मी के रूम में आई हूँ और पूरा रायता फैला के रख दिया है बेबी ने। इसका क्या करूं मैं लड़की का, लॉक बंद करके बाबू आके खोल दिया लॉक। इसका काजल की डिब्बी भी का ये इसमें मेरे को नहीं सुनेंगे आई, कहां फेंक दी इसका ढक्कन, पर वो ढक्कन ही ढूंढ उसका, ये ढक्कन गिरा। मिल गया पूरा मेरा सब सत्यानाश कर दी। फिर से ओ माय गॉड, दो उतर उतर, क्या कर रही है सब, उतर जल्दी। क्या कर रहे हो तुम, चलो कर दियो, तंग कर दियो, चलो गोद में लेती हूँ, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अब लॉक लगाना पड़ेगा, लॉक लगाना, एक ऐसा बनना है, अच्छा बनना है क्या कि नहीं। हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये देखिए बाहर का मौसम, फुहारा आ रहा है। कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। देखिए दो दिन से इतनी बारिश हो रही है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत अनलिमिटेड बारिश, फुहारा आ रहा है। तुमको भी देखना है, हाँ देखो, दिख रहा है। पापा सोए मारेंगे, डांट देंगे। पाई आई माँ पापा काम करना, बोलो पापा काम करना, पापा काम करना। सेटअप हो चुका है काम करने का, आज बारिश की वजह से घर में ही काम करना है, और अच्छा है क्योंकि बहुत बारिश है, बारिश में निकलना मुश्किल है इसलिए घर पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।